नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। आज बिहार दिवस है, यानी बिहार 111वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार की थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया जाएगा। इनमें शैक्षणिक कार्यक्रम, फिल्म फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानमंडल, सचिवालय, पुलिस मुख्यालय समेत राज्य के सभी जिला समाहरणालय और सभी सरकारी भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पटना के गांधी मैदान के अलावा एसके मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं बिहार आज अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर समस्तीपुर जिले में कई तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। 22 से 24 मार्च यानी 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम और भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। बिहार दिवस को लेकर न सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन शामिल है। यहाँ बिहारवासी अपने राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। 3 दिन तक बिहार में लोगों को कई चीज़ें देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा कई जिला मुख्यालयों में अलग अलग विभागों के स्टॉल, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यंजन मेले का आयोजन किया गया है। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण बेल्ट्रॉन के जरिए किया जाएगा। कटिहार जिले में कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय में बिहार दिवस के अवसर पर फ्री मेडिकल कैंप और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में BSP 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद की अध्यक्षता में 1000 जवानों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रभात फेरी करते हुए समस्त गांव का भ्रमण किया। जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा, कमांडेंट दिलनवाज अहमद, SDM शंकर शरण ओमी समेत तमाम अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस शिविर में आए प्रशिक्षु सिपाहियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। उन लोगों तक यही पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब चीज़ है, हानिकारक है, उससे दूर रहें, नहीं पिए। और सरकार बहुत बड़ा एक जागरूक अभियान चलाए हैं, जैसे आज बिहार दिवस के मौके पर आज हमारे BMP पुलिस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं। उसमें जैसे पूर्व से जो नशा कर रहे थे उसका भी जो है कि इलाज होना है, और जो ऐसे अस्वस्थ हैं उनका भी इलाज होना है, मुफ्त में दवाई वाई सब वितरण हो रहा है। खास करके BCF मुख्यालय की तरफ से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए ये निर्देश है कि स्थापना दिवस है 2 दिन के बाद, 24 मार्च को है और आज बिहार दिवस है, तो इस पर कुछ सेवा भाव प्रशिक्षुओं में जागरूक करने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब इनमें जनता के प्रति सेवा भाव जगह और सरकार का जो उद्देश्य है शराब बंदी उस पर भी काम है और गरीबों को कुछ मुफ्त इलाज मिले उनकी सहायता, ये आयोजन किया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर BSF 7 के द्वारा, दिलनवाज जी कमांडेंट साहब के द्वारा एक फ्री हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है। कोलासी के बुनियादी स्कूल में यह हेल्थ कैंप आयोजित है और जैसा मैं देख रहा हूँ सुबह अभी जो स्टार्ट ही हो रहा है, लगभग 100 यहाँ पर लोग आ चुके हैं। सदर अस्पताल की टीम और कटिहार मेडिकल कॉलेज की टीम के डॉक्टर्स, नर्सेस और फार्मासिस्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम लोग मुफ्त चिकित्सीय परामर्श तो देंगे ही, साथ में मुफ्त दवाओं का वितरण भी हम लोग करेंगे। कई हम लोगों ने दवाई लाई, लगभग 600 व्यक्तियों के लिए दवाई हम लोगों ने यहाँ पर रखी है। वशीभर जिले में बिहार दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय मैदान से लेकर रष्टी चौक तक प्रभात फेरी निकाली। इस प्रभात फेरी में जिलाधिकारी, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं पटना विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन से ही सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सदन में जनता के सवाल से दूर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हुए हैं। BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर ने CM नीतीश कुमार के अटल बिहारी के दौर में गृहमंत्री होने वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनको हेल्थ कार्ड जारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंडाल चौकड़ी के बीच घिरे रहते हैं, यही कारण है कि वह इस तरह के उल्टे बयान दे रहे हैं। वह कभी भी देश के गृह मंत्री नहीं रहे।
वहीं हरिभूषण ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, ऐसे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आरजेडी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा कि बीजेपी विधायक को चेकअप की जरूरत है। प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड, हेल्थ चेकअप तो होता ही रहता है। अब जा रहे हैं बाचौल जी, हो सकते हैं कि वो जो बचर बचर करते रहते हैं, बहुत सही बातें मैंने वो ऐसे ऐसे कह जाते हैं जो देश के और समाज हित में नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ उन्हीं के चेकअप होनी चाहिए, बाकी सारे लोगों के तो इंटैक्ट है। जो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनके बारे में कोई वो नोटिस कोई लेता है, तो ऐसे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनका कोई नोटिस लेने वाला है? और इस तरह का बयान न विधायक उनकी बात को पसंद करता है, न इस तरह का बयान उनका कोई सरकार भरोसा करता है, और न बिहार की जनता, इसे बोलते रहते हैं जो मन में आता है बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर परहेज करना चाहिए, यह राज्य यह देश सब कुछ देखता है, और ऐसे लोगों को राजनीति में इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। कल सदन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हम पहले भी देख चुके हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी विस्मरण के शिकार हो रहे हैं, और कल उन्होंने दो बार अपने आप को गृह मंत्री कहा और एक क्वेश्चन को ढूंढने में उनको 30 सेकंड लगा। निश्चित रूप से वो विस्मरण के शिकार हो चुके हैं। बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए चूंकि वो चंडाल चौकड़ी से घिरे हुए हैं। बिहार के अहित में कुछ भी करा सकता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी गलत करा सकता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मानसिक हेल्थ कार्ड जारी करना चाहिए, वो डिमेंशिया नामक बीमारी से कहीं ग्रसित ना हो गए हों। उनकी जो स्थिति है वो सदन में जिस तरह से जानवरों के बारे में, आशा कार्यकर्ताओं के बाद महिलाओं से जिस तरह से बात उन्होंने किया, और इतना ही नहीं वो भारत के गृह मंत्री कब बने वो बताएं। इस तरह का अनाप शनाप बयान देना, किसी का पांव छू देना, इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, इस तरह का जो हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, कहीं डिमेंशिया के शिकार नहीं हुए, उनको बहुत जरूरी है इलाज का और अपना मानसिक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी करने का। वहीं बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 12 बेऊर जेल में बंद हैं, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं केपी रमैया समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार, रजनीप्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल इन तीनों आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके चलते तीनों को अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक का नाम अंकित मिश्रा है। उसने व्हाट्सएप के जरिए नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने गूगल से मुख्यमंत्री के ऑफिस का नंबर सर्च करके ये धमकी दी थी। गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से बिहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने नीतीश कुमार को धमकी क्यों दी, वो कहाँ का रहने वाला है, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं आरा में भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब पकड़वाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मारपीट के दौरान देवर भाभी जख्मी हो गए। घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशोपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हालांकि मारपीट में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी होने की जानकारी मिली है। मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाने में लिखित शिकायत दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। कल रात 11 बजे करीब दो आदमी आकर के मेरे घर पे फायरिंग किया। कौन लोग थे वो? उदय कुमार और मधेश उर्फ बघा। क्या कारण था?
पहले भी मेरे बड़ा बड़ा लड़का के साथ ही लोग इस तरह कर चुका है, हादसा एक्सीडेंट कर चुका है, उसके साथ मारामारी कर चुका है, इस बार भी इसी तरह किया। हाँ, सूचना मिली है तो पुलिस टीम गए थे, तो उसमें जो है जहाँ पर बताया गया अच्छा 5-6 खोखा मिला फायर टीम के से, प्राथमिकी दर्ज किए हैं, कार्रवाई की जा रही है। वही कैमूर में भगवानपुर प्रखंड में स्थित माता मुंडेश्वरी का मंदिर विराजमान है, जहां नवरात्रि के पहले दिन माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां दर्शन करने के लिए आता है उसकी हर मनोकामना पूरी की जाती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नाथियों को किसी भी प्रकार के दर्शन में असुविधा न हो उसके लिए 15 पॉइंट बनाए गए हैं। पॉइंट की शुरुआत नीचे से ही होगी। एक मेन आईबी बैरियर बनाया गया है, रोड साइड से लोग आएंगे, जो कि चरपहिया गाड़ी से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, पैदल यात्रियों के लिए पैदल सीढ़ी से आने की व्यवस्था की गई है। दोनों जगह ही बिजली पानी आदि की व्यवस्था की गई है। मंदिर पर आने के क्रम में मंदिर पर जो है जगह जगह पुलिस बल, पुलिस प्रशासन के लोग, न्यासकर्मी के लोग और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से दर्शनार्थियों को दर्शन करने में असुविधा न हो। और इसी के साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।